मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 13 को लेकर लेटेस्ट एक बड़ा खुलासा हुआ है शो की टॉप मोस्ट कंटेस्टेंट रश्मि देसाई को लेकर, जहां एक तरफ अरहान ने काफी बवाल खड़ा किया बैंकरप्ट बोलकर उन्हें, तो दूसरी तरफ रश्मि के सपोर्ट में आ गई उनकी मैनेजर और अरहान के हर खुलासे को गलत साबित कर दिया। इतना ही नहीं, रश्मि के जन्मदिन पर रश्मि के सपोर्ट में उन्हें बड़ी खुशखबरी देने के लिए उनके लिए प्लान सपोर्ट के साथ आए हैं उनके कुछ करीबी, जिन्होंने जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उनका सेलिब्रेट किया। तो पहले हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम जानेंगे कि रश्मि को लेकर मैनेजर का क्या खुलासा है, और इसी के साथ आगे हम जानेंगे कि रश्मि को लेकर मैनेजर ने अपने स्टेटमेंट से कैसे दिल खुश कर दिया फैंस का बहुत ही वार्मिंग गुड न्यूज के साथ, तो किस तरह से उन सभी लोगों ने अरहान के खिलाफ बोला और रश्मि के सपोर्ट में फिर से पॉजिटिव एनर्जी उन्हें देने के लिए गुड न्यूज दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 13 में इस वक्त टीवी की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस रश्मि देसाई काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि रश्मि को लेकर उनके निजी जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल उन्हें घेर कर रखे हुए हैं। अब जो नई रिपोर्ट आई है वो ये है कि जहां रश्मि और अरहान का रिश्ता टूटता चला गया, शो में जुड़ा हुआ रिश्ता जो पूरी तरह से खत्म होता चला गया, इसे लेकर जब रश्मि विवादों में फंस गई और अरहान खान शो के एक्स कंटेस्टेंट अरहान खान ने रश्मि के लिए जो भी शब्द कहे, इसके बाद रश्मि के सपोर्ट में सामने आ गई है उनकी मैनेजर, जिन्होंने अरहान खान की उड़ा दी है धजिया। अरहान खान के काले कारनामों का सच उन्होंने खोल दिया है। रश्मि को लेकर उन्होंने पूरी तरह से खोला है राज। दरअसल अरहान ने रश्मि को बैंकरप्ट बताया, जिसके बाद रश्मि देसाई को लेकर बवाल खड़ा कर दिया गया है। बिग बॉस सीजन 13 के टॉप कंटेस्टेंट्स में इस वक्त टॉप 5 के बीच कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग प्लेयर रश्मि देसाई हैं। फीमेल प्लेयर्स में शहनाज गिल, आरती सिंह के सामने रश्मि देसाई स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानी जा रही हैं। ऐसे में अगर रश्मि देसाई निजी जिंदगी को लेकर जो शो में काफी परेशान रही हैं, उन्हें अगर बड़ा सपोर्ट मिला है तो इससे बड़ी गुड न्यूज, इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है रश्मि देसाई के फैंस के लिए। जी हाँ, रश्मि देसाई के जन्मदिन पर बड़ी गुड न्यूज उनके परिवार वालों की तरफ से आई। परिवार वालों ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया, तो उनके परिवार वालों के साथ रश्मि को एक बहुत ही बड़ा आलीशान तोहफा भी मिल गया है, और वो तोहफा रश्मि देसाई की मैनेजर की तरफ से उन्हें मिला है, क्योंकि रश्मि, जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अरहान के साथ अपने रिश्ते पर से पर्दा उठाया और फिर अरहान की शादी और बेटे को लेकर जब राज खुला, तो रश्मि ने उनके साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला भी लिया। और इसके बाद अरहान जब शो से बाहर आ गए, तो शो के बाहर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अरहान को लेकर बवाल मचा। सलमान खान ने अरहान की क्लास भी लगाई, और फिर अरहान को लेकर जब खबरें आई कि रश्मि जो हैं सो बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट है, ये बात कह रहे हैं अरहान, तो रश्मि के मैनेजर ने खोल दी है पोल अरहान की कि झूठे हैं वो। उनके मैनेजर संतोष ने पिंकविला से बात करते हुए दी जानकारी कि रश्मि को लेकर जो भी बात है वो झूठी है। साल 2013 से रश्मि के साथ वो काम कर रही है। रोड पर आने की जो बात है, अगर उसमें कोई भी सच्चाई अगर नजर आती है सबको, तो वो गलत है, क्योंकि काम अगर वो आज भी बंद करे तो 10 साल तक वो आराम से खा सकती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चार चार कारें हैं उनके पास, और अच्छी अच्छी बिल्डिंग है मुंबई में उनके पास, और इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संतोष ने आगे ये भी कहा कि जब रश्मि देसाई के घर से बाहर आएंगी, अगर रश्मि देसाई घर के बाहर आएंगी तो उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानियां को सामना नहीं करना पड़ेगा। रश्मि को लेकर संतोष, उनके मैनेजर ने कहा कि अरहान ने जो भी शो में बात कही थी, रश्मि के पास दो लग्जरी कारें थी उस वक्त भी, और कोई बात अरहान की बातों में दम नहीं है। संतोष ने ये भी बताया कि रश्मि घर से बाहर आएंगी तो इन बातों पर सफाई जरूर देंगी। संतोष, उनके मैनेजर ने ये भी कहा कि घर के बाहर आने के बाद वो क्लियर करेंगी सारा मामला और जो भी बातें उन्हें लेकर सामने आई हैं।
अरहान खान के बारे में बात की जाए तो अरहान खान के साथ शो में रिश्ता जो भी हो रश्मि का, लेना देना उससे नहीं है उनके मैनेजर को, लेकिन जो भी बात रश्मि के खिलाफ सामने आई है वो रश्मि के खिलाफ बातों को लेकर सहमत नहीं है। रश्मि और अरहान को लेकर काफी ज्यादा विवाद बीते काफी समय से है। ऐसे में रश्मि देसाई की माँ ने भी हाल ही में अपनी बेटी के सपोर्ट में बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि रश्मि अरहान से प्यार करती थी, घर के अंदर उन सबने देखा ये बात, लेकिन ये क्या प्यार में नफरत तब आ गया जब अरहान पूरी तरह से बड़े धोखेबाज निकले और अब उनकी माँ और उनके भाई दोनों ही खुश हैं क्योंकि रश्मि अब इन सभी चीजों से बाहर आ गई हैं। ऐसा ही कहना था उनके चाहने वालों का। खैर सुनिए इस वीडियो में रश्मि देसाई को लेकर नए स्टेटमेंट जो सामने आए हैं उनके बेहद ही करीबी की तरफ से। हालांकि हम कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे रश्मि को, बिकॉज आप जानती हैं कि बिग बॉस के अंदर हमारी एंट्री नहीं है, लेकिन जो हुआ मैंने कहा रश्मि के पर्सनल लाइफ के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। आई थैंक्स कलर फॉर दिस, आई थैंक सलमान भाई फॉर दिस, आई थैंक द इंटायर टीम ऑफ बिग बॉस, आई थैंक द पीआर ऑफ रश्मि देसाई, द पर्सनल पीआर जीविता और गुप्ता, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रश्मि को कन्विंस किया। लेकिन रश्मि के बारे में जिस तरह की बात हो रही थी कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो आप भी उनके काफ़ी करीबी हैं, लेकिन रश्मि को अरहान के पास क्यों जाना पड़ा मदद देने के लिए? देखिए मैं भाई हूँ, मैं एक हद तक उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। एक लड़की को भाई के कंधे से ज़्यादा दूसरे इमोशंस अटैचमेंट चाहिए। आप लड़के हैं आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक लड़की जो एक इमोशनल होती है वो एक इमोशंस भाई के साथ उतने नहीं शेयर कर सकती जो अपने बॉयफ्रेंड और अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकती है। टू बी ऑनेस्ट रश्मि ने वो कंधा जो उसको चाहिए था वो अरहान से मिला उसको। अरहान ने उसको काफ़ी ब्लाइंडली रखा, अरहान ने अपने पर्सनल लाइफ को उसके साथ शेयर नहीं किया। अरहान कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये रश्मि को पता होने नहीं दिया। एक गेट टुगेदर में वो लोग मिले और अरहान उनके पीछे पड़ गया और मैसेजेस चालू हो गए और व्हाट्सएप चैटिंग। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है मेरे दोस्त, पहले जैसा नहीं है कि एक लड़की को पटाने के लिए आपको दो दो तीन तीन महीना इंतजार करना पड़ता था उसके नाम पूछने के लिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो मैं गूगल सर्च करूँगा, उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी। और अरहान वॉनबी है, वनबीज को किसी के पीछे लगने के लिए वक्त नहीं लगता, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उसके पास सिर्फ यही काम धंधा था कि किस तरह मैं फिशिंग करूं और रश्मि जैसी शख्सियत मेरे में फंसे। और रश्मि इमोशनल थी, वो फंस गई। जब आपको मालूम पड़ता है कि आपकी बहन के साथ धोखा हो रहा है, भाई आपको कितना बुरा लगता है? और जैसे कि आपने बोला भी थी, आपने उनको बुला के बोला कि आप मेरा, मैंने कहा उसको बिल्कुल, देखिए मेरी बहन है वो, मैं उसको गलत हाथों में जाने नहीं दूंगा। लेकिन एक एक तरह मैं भी मजबूर हो जाता हूँ जब दो लड़का लड़की बोलते हैं कि मैं प्यार करता हूँ और मैं प्यार करती हूँ, तो मैं वहाँ कमज़ोर पड़ गया। मैंने उस रात को भी रश्मि को पूछा मेरी एनिवर्सरी वाली रात में उस पार्टी में कि रश्मि व्हाट इज़ दिस, शी सेड भाई आई लाइक दिस गाय, आई थिंक ही इज़ द वन। मैं चुप हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, जब एक लड़का राजी एक लड़की राजी तो क्या करेगा कैसे। तो मैं इस बीच में मैं फ़ौरन वॉकआउट कर दिया, मैंने बोला नहीं, लेट्स द फ्लो गो ऑन। अपने आप सच्चाई पता चलती है, सच्चाई छुपती नहीं। और यही देखने को मिला कि जैसे जैसे समय बीता और उसके तुरंत बाद, मेरे ख्याल से कम डिस्टेंस था, महीना दो महीने के बाद ही बिग बॉस हो गया, और उसके बाद उसके इतनी चीज़ें मेरे सामने आई कि मैं हैरान हो गया कि ये शख्स है कौन। और कई दोस्तों ने, कई मेरी वाइफ के सहेलियों ने मुझे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि भाई व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, अरहान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। आई वाज शॉक्ड, आई सेड क्या बोल रही हूँ तुम, बोले मेरे बॉयफ्रेंड है, मुझे डिच किया, मुझसे पैसे खाए उसने। तो ऐसे यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, बोले भाई वी वर स्केर्ड। देखिए एक एक भाई बहन के बीच में आने को लोग डरते हैं। मेरा रिलेशन रश्मि के साथ एक बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी सगी बहन के साथ है। शायद वो डर रही थी, लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म मिला, जब उन्होंने देखा कि अरहान इतना बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली जेलेसी भी आती है लोगों के अंदर। और एक लड़की सोचती है कि मेरे को डिच किया हुआ लड़का इतने आगे कैसे जा सकता है, और वो सही भी है। और इस लिहाज से उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, तब से मैंने सोच लिया हाथ धो के कि भाई ये लड़का ये रश्मि की लाइफ में नहीं होना चाहिए। तब भी मैंने कई ट्वीट किए कि अगर रश्मि उसके साथ है तो आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, लेकिन अगर जब रश्मि बोल देगी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती तो अरहान क्या, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अरहान का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। अरहान एक चीज कही थी कि रश्मि आप रास्ते पर आ गई थी, रास्ते पे आ गई थी, अरे क्या बात कर रही है, रास्ते पे आ गई थी, तुम उसके घर पे जाके क्यों रहने लगे, तुम उसकी गाड़ी क्यों यूज करने लगे, तुम उसके बैंक के अकाउंट से पैसा कैसे विड्रॉ करने लगा वो आदमी, हैं कैसे रास्ते में आ गई थी। अरे रास्ते में जिसका भाई इधर बैठा वो लड़की रास्ते में आ सकती है? अरे भाई अल्लाह ने, भगवान ने थोड़ी इज्जत हमें भी दी है, क्या हम अपनी बहनों को रास्ते में आने देंगे? दिस इज बिल्कुल
बोलते ना ये इल्ज़ाम जो उसने लगाया सरासर गलत है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। देखिए जब पहलवान बोलते ना कुश्ती लड़ने उतरता है मैदान में तो वो अपने आप को तेल लगा के उतरता है, क्यों? क्योंकि दूसरा पहलवान उसको पकड़ना था। ये सब अपने आप को बचाने की चीज़ है और कुछ नहीं। मेरे दोस्त प्यार ना समझ ही होता है, आपने प्यार किया है? ऑफकोर्स मैंने अभी कहा कि दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन जब उसके बाद उसके सामने आई पूरी बातें कि भाई ये जो गलत हो रहा है इसने मेरे साथ कई बातें रश्मि को छुपाई गई, उसके बाद रश्मि ने जो सामने लाई गई उनके प्यारों के द्वारा उनके अपने लोगों के द्वारा कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ के बावजूद अगर तुम एक्सेप्ट करती हो तो ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन रश्मि ने सही सोचा कि भाई नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए। देवोलीना वॉज द फ्रेंड आई थिंक जो अंदर ले जाके उसको कन्विंस की, तो बहुत अच्छी बात है कि जब आदमी के सामने सच्चाई लाई जाए और उस सच्चाई को वो अपनाए और कहे कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उसने वॉकआउट किया, उसने तब आके मीडिया के सामने कहा कि नहीं मुझे ये आदमी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको लगता है रश्मि को जरूरत थी इसकी बिग बॉस में जाने के लिए? कब बैंक करप्ट हो गई थी? बैंक करप्ट क्या होता है मेरी दोस्त? कभी नहीं। रश्मि वॉज वेल टू डू एन एक्ट्रेस यार, ठीक है एक कलर्स का शो अगर उसका बंद हो गया तो दूसरा शुरू भी होता है। बैंक कर जी मुझे रश्मि से मिलवाया सना खान ने, सना खान जो हमारी एक्ट्रेस हैं काफ़ी नामचीन बॉलीवुड की, सना खान की बर्थडे पार्टी में हम रश्मि से मिले थे राइट, और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई। ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम टीवी टाउन के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 13 को लेकर। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और जरूर बताएं क्या कहना है आपका रश्मि और अरहान के रिश्ते को लेकर, क्या कहना है आपका अरहान के स्टेटमेंट को लेकर, क्यों आखिर वो ऐसा कर रहे हैं और क्या रश्मि वाकई में डिजर्व करती है बतौर कंटेस्टेंट इस शो की डिजर्विंग विनर, आप जरूर बताएं हमें। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।